ये 40 एक थे, ये हुमर है 40 एक हुमर थे, अब ये बचे 20 एक ओरिजिनल लाइन है ये। आसिफ भाई हमारे इनको हुमरों का शौक है और अभी इनको बाहर निकाल के दिखाएंगे हम। आसिफ भाई कहाँ से लाए थे आप, कहाँ से मंगवाए आपने ये? ये इसमें घर के बच्चे ज्यादातर, इसमें अच्छा। कुछ ही बाहर के होंगे, बाकी अच्छा। घर के बच्चे। कहाँ के हैं ये? ये बेंगलोर से जोड़ा लेकर आया, बेंगलोर से जोड़े लाए थे हमारे आसिफ भाई, इसके पट्टे निकलवाए। तो आसिफ भाई कबूतरी अंडा दे रही है, इसके तो अंडे भी बिक जाते होंगे आपके? नहीं नहीं अंडा फेंक देते हैं बड़े भाई। आसिफ भाई दिखाना जरा पकड़ के, नीचे भी जोड़े हैं, मेरा नंबर भी है मेरे पास। अच्छा, मैं चेन्नई जब गया हुआ था, जब मैंने ये देखिए मान के लेके आया था मेरा नंबर। ये घर की पट्टी है ये? हाँ ये वाली घर की है। अच्छा दिखाना इसका जरा चेहरा मोरा। तो हुमर में और पटियाले में क्या फर्क होता, क्या चीज देखी जाती है? हुमर भी भाई पटियालों का क्रशिंग है, हुमर भी पटियालों का क्रशिंग है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बड़े भाई आप हिस्ट्री देख लेना, इनकी किताबें हैं पूरी पटियाले। हाँ मतलब इंडिया से गए में, जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी हाँ? उस टाइम वो अपने साथ हुमर लेके आए थे। अच्छा, और पंजाब में आज भी जंगलियों में जो नीले बगड़े फिर रहे ना वो हुमर ही है। अच्छा मतलब पटियाले हुमरों का क्रॉस है। हाँ, ये कहिए आप, ये उल्टा कह रहे हैं। ओरिजिनल है, हुमर ओरिजिनल है मतलब। अच्छा अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज अपने साथ लाए थे ये, बाहर आके दिखाइए। तो आप हिंदुस्तान में पटियाले कबूतरों की हिस्ट्री ये बता रहे हैं कि वो भी हुमर के अंग्रेज आए थे तो अपने साथ कबूतर लाए थे हुमर, तो उनकी क्रॉसिंग हो के जो है पटियाले रह गए। जी अभी हमारा चल रहा, हम 40-50 लोग हैं जो इस बार फेवरी में कबूतर छोड़ेंगे अपने। अच्छा आप भी छोड़ेंगे? हाँ हम भी छोड़ेंगे। ये अच्छा। है मार्जिनेट माशाल्लाह, बाबरी चांदनी। हाँ ये देखिए ये सिंगल टेल है। सिंगल टेल जी, किस चीज़ को बोलते हैं सिंगल टेल? जैसे ये तेल है ना बैलेंस होता है इनका, ये जैसे कि ये है तेल ठीक है ना। हाँ। ये बिल्कुल आया हुआ है ऐसे देखो आप, ये बिल्कुल यूँ आया हुआ है, ये पन नहीं मिल रहा भी मेरे से, ये जो फ्लैट आ गया। हाँ हाँ ये सीधी जा रही है। जी 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 ये देखो इसको सिंगल टेल बोलते हैं। अब इसमें कुछ है जो तेल बैलेंस नहीं है किसी का, मैं वो भी दिखाता हूँ, वो बैलेंस नहीं है इसका, बैलेंस देख रहे हो आप? तो मतलब ओरिजिनल लाइन ब्रीड की खूबी है, देखते हैं हम सिंगल टेल, मतलब कि इससे पता चल जाता कौन सा कितने रेस तक छूट सकता। अच्छा। है कि मतलब बैलेंस कैसा है। अब इसमें पड़ में होता है ठीक है ना, 3x4 ऐसा होता है। अब ये देखो आप ये क्या हुमर में क्या चीज देखते हैं बाजू खोल के उस्ताद? ये पड़ से पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है या शॉर्ट डिस्टेंस है। अब अभी जैसे ये क्या है इसके बारे में बताइए। ये उस्ताद ये लॉन्ग डिस्टेंस की है। अच्छा है मेरी। जैसे किस चीज से पता चला आपको? आप ये देखो ये सिरा देखो आप इसका। अच्छा हाँ। ये चीज हाँ ये ऊपर का, ये नीचे से आता है इनका। हाँ। देखते हुए हाँ। अच्छा जी, और कुछ जो हम जब चेहरे में क्या चीज देखी जाती है हुमर इनकी के? आंखें होती है, इनकी आंखें होती है, ये देखो आप उस्ताद इसकी आंखें देखो आप। अच्छा जी, बहुत किस्म की आंखें होती है, और एक जनादन लाइन होता है। अब मैं सोच रहा हूँ वो जोड़ा लेके आऊँ। कौन सी लाइन? जोनादन लाइन। जोनादन हाँ, वो जोनाथन। जोनादन लाइन, जोनादन जी। अच्छा हाँ, ये दूसरा पट्टा दिखा रहे हैं आसिफ भाई हमें। अच्छा देखो आप ठीक है ना उस्ताद? ठीक है उस्ताद, और इसका बैलेंस देखो आप, ये देखो इसका बैलेंस सही नहीं है। अच्छा दिख रहा है आपको? ये देखो ये सिंगल टेल नहीं है। नहीं ये सिंगल टेल नहीं है। अच्छा ये दुम खोल रहा है तो मतलब सिंगल टेल नहीं है, अगर किसी की दुम बंद है तो सिंगल टेल। ये होता है देखो उस्ताद यहाँ से आएगा, ये चौड़ा होता है इसका ये ठीक है, और ये आके यूं सिमट जाएगा पतला, सिमट जाएगा तो वो सिंगल टेल कहलाएगा। जी 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 ठीक है जी, बहुत अच्छी कीमती मालूमात आपको दे रहे हैं हमारे आसिफ भाई। हुमरों का शौक है इनको, और मेरी सबसे मनपसंद पत्ती दिखाओ आसिफ भाई की फेवरेट मार्जिन है ये घर की पट्टी है। हाँ ये भी घर की पट्टी है, मेरी फेवरेट मार्जिन है। अच्छा इसकी खूबी क्या है इसको दिखाइए, इसके बाजू पर सिंगल टेल तुम है क्या है? नहीं मुझे वैसे ये पसंद है, सिंगल टेल है ये देखो इसका। अच्छा। विंग सेट देख लो आप, ये देखो हाँ। ये आ रहा है यहाँ तक वो है, फिर उसके बाद 3 लेयर्स देखो आप इसका, 3 लेयर्स विंग्स, 4 लेयर्स विंग्स। अब ये देखो ये मुझे पसंद है कबूतरी बहुत ज़्यादा, सिंगल टेल ये भी। हाँ सिंगल टेल ही कहलाई जाएगी, बैलेंसेस के तेल हाँ। में थोड़ा बहुत, पर वो जो मैंने दिखाया था आपको सबसे पहला वाला पत्था वो काफ़ी अच्छा है। आसिफ भाई इसका बाजू एक बार और दिखाइए, हमारे समझ में नहीं आ रही आप क्या बताना चाह रहे हैं। विंग्स देखा जाता है उस विंग्स 4 3 ये देखो 3 हाँ ये देखो आप
क्या चीज काउंट कर रहे हैं आप इसमें? ये ऊपर का सिरा, हाँ एक और पत्था है मेरा जिसका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, हाँ, इसी के मुताबिक है वो, दिखाऊंगा उसका। ब्यूटीफुल, वो नीचे है एक पत्था, ये भी मेरा है, इसमें सारे पत्थे हैं। वो अंडे दे दिया उसने, और ये अंडे, वो मार्जिन, मैंने ये मार्जिन चाहिए किसी को तो आसी पास से कॉन्टेक्ट करें, हुमर के अंडे। ये मेरा पत्थर बीमार हो गया था, ये उसका को भी बहुत पसंद है। इसका एक बहन अमीरन है जो नीचे जोड़ों में, इसके माँ बाप मैंने हटा दिया है। एक ये नीला पत्थर फेंका करते थे इसके माँ बाप, एक अमीरन। अच्छा, जब मैं लगाया आया था 10,000 रुपये उसने दिया नहीं था, अल्लाह का क्या नेमत थी कि एक दो महीने बाद मेरे घर पे ही नस्ल अमीरन आ गई। अच्छा, अभी भी बीमार है, ये सीप में आ गया है, मतलब कि मेरे पे भी 50-1 उम्र होते हैं मर गए। ये रहा, ये निकल गया था, ये पत्थर 4 दिन बाद आया था बड़े भाई। अच्छा। हाँ, फर्स्ट टाइम निकला था ये, तो ये 4 दिन बाद आ गया था, ये वाला पत्थर है उसका। अच्छा। ये देखो, ये बड़ा करवा है, ये पत्थर निकल गया था आसिफ भाई का जाल से, 4 दिन बाद तोड़ गया घर वापस आ गया ये वाला पत्थर है। अभी ये गर्दान नहीं है आसिफ भाई के जाल में ही खुलते हैं। नहीं, ये तो अब जाल हटाऊंगा, जाल हटाएंगे। इसमें ये उड़ते हुए, एक ये उड़ता हुआ है मेरा, जो दो दो ढाई ढाई घंटा गायब हुआ है, एक ये है, एक ये रहा, एक ये है, ये वाला पत्था मेरा। और अभी जिसने एक अंडा दिया है मार्जिन, वो है मार्जिन आ गए, वो यही होगी नीचे, ये रहेगा, ये है वो मार्जिन, ये उड़ते हुए अभी इसने अंडा दिया है मेरे पे। चांदने उमर भी थे, सबस चांदने उमर। अच्छा। वो मर गए मेरे, बिल्कुल जोगी बने हुए, जो चांदने पटियालों में कहते हैं ना अच्छे लगते हैं, 10-10 पड़े वो थे, वो मर गए मेरे। माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया शौक है आसिफ भाई का। ये उमर हम बाहर निकाल के दिखाने आपको, ये ओखला में मल्ले भाई के शागिर्द आसिफ भाई, उन्होंने ये हुमरों का शो कर रखा है। बहुत शानदार, हुमरों में रंग देखा नहीं जाता। हाँ। और मुझे ये रंग की वजह से पसंद है, ये वाली मादिन जो मैंने। अच्छा। पहले बताई थी ना, भगनी बनी हुई है ये। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए कबूतरबाजी एक जुनून। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह की नई वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जब आज भाई ये छोड़ेंगे कबूतरों को तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कब छोड़ने का इरादा है इनका आसिफ भाई? हम है ना, अगर 500 किलोमीटर भी ट्रेन करना चाहे तो 1 महीने में 1.5 महीने में कर सकते हैं। अच्छा, वो अपने ऊपर होता है। तो ये अब कहाँ से कंपटीशन है इसका, कहाँ पर है? कोलकाता में कहाँ? नहीं, पर नहीं, हमारा यहीं रहेगा, दिल्ली में ही है। बहुत सारे बंदे हैं जो उमर। अच्छा। का अलग क्लब है हमारा। अच्छा। तो वो भी रजिस्टर कर। क्या नाम है? रेसिंग उमर पिजन क्लब दिल्ली। रेसिंग उमर पिजन क्लब दिल्ली, ठीक है। जी जी जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए उसमें, जो जिन्होंने उमर पाल रखा है, कितनों ने अपने पतियालों का शौक खत्म करके उमर छोड़ रखे है बस अभी। अच्छा। हाँ, ऐसे भी बिल्लू भाई भी हैं उसमें। हाँ, बिल्लू भाई भी है, संजीव रस्तोगी साहब है वहाँ के, एक हमारा सबसे मेन उमर का जिनको मैं आइडल मानता हूँ दिल्ली के अंदर, उनके पास 8-10 साल से इम्पोर्टेड लाइन भी है, सूरज भाई है, सूरज भाई। हाँ, मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ दिल्ली के अंदर, उस्ताद हूँ, उन्हें उमर का उस्ताद मानता हूँ। तो आसिफ भाई, आप हमें लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, हम शो दिखाएंगे सबका, सबके, ठीक है। हाँ। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है ब्रीद, ये मान के चलो आप, उनके यहाँ बड़े अच्छे टॉप क्वालिटी के उमर। अच्छा। मैं उनका फैन हूँ बहुत बड़ा। ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई अपना शो दिखाने के लिए। दोस्तों, इंशाल्लाह हम आपको और भी शो दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़ रही है कबूतरबाजी एक जुनून चैनल के साथ। और हमारा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
इसका।